assalamu alaikum salam. I'm applying for master's course in Germany in winter intake. I wanna ask that if my close relative is doing job in Germany, holding blue card, but not having European passport till now. Can he sponsor me? If yes, then do I still have to show my blocked account to embassy as a student or only his sponsorship letter will be enough? Dekein, jo sponsorship agar aapko स्पॉन्सरशिप लेटर रिप्लेसमेंट होती है ब्लॉक्ड अकाउंट की फिर आपको कोई ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं होती इसका फिर जो क्वेश्चन मुझे आया मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया इसका एक्जैक्टली exactly यही बात जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है फिर दोबारा मुझे इसका रिस्पॉन्स ही आया कि थैंक्स अलाड फॉर सच क्विक रिस्पॉन्स वन मोर थिंग काइंडली टेल मी द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एंड सैलरी लिमिट फॉर स्पॉन्सरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये ही इज ब्लू कार्ड होल्डर नॉट ऑन यूरोपियन पासपोर्ट स्टिल ही कैन स्पॉन्सर मी ये उनका क्वेश्चन है देखें यूजली होता है यू है कि जो स्पॉन्सरशिप होती है ना ये पाँच साल तक के लिए वैलिड होती है और उसकी कंडीशन ये होती है कि जितनी ड्यूरेशन के लिए जो स्पॉन्सर्ड शख्स आ रहा होता है यानी इस केस में आप कि अगर आपकी पढ़ाई है दो साल की तो ऑफकोर्स उस ड्यूरेशन से ज्यादा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है जर्मनी में उसका स्टे होना चाहिए तो मैं आपको सारी रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूँ कि सैलरी कितनी रिक्वायर्ड होती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं जर्मनी में जो आपके स्पॉन्सर है उन्होंने कहाँ जाना होगा और कैसे उसको अप्लाई करना होगा और वो जो पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा ये देखें जो स्पॉन्सरशिप होती है इसको बेसिकली जर्मन में कहते हैं फेफलिश एक्कों और ये मैं काफ़ी दफ़ा ये फॉर्म यूज़ कर चुका हूँ जब भी मैंने अपनी फैमिली को बुलाया है तो मैं यही फॉर्म यूज़ करता हूँ इसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट और क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आना है जो 90 डेज से ज्यादा होता है जो कि स्टूडेंट वीजा होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट लास्ट फॉर फाइव इयर्स दिस पीरियड स्टार्ट्स विद एंट्री इनटू फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इफ दिस इज मेड पॉसिबल बाय बर्लिन की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी है लेकिन जहां पर भी आपका स्पॉन्सर रह रहे हैं जर्मनी में वो अपने जो उनका फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पर वो जाएंगे उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो उनको सारे फॉर्म्स दे देंगे अभी देखते हैं उसको आपको क्लियर हो जाएगा प्री रिक्वेस्टेड सबसे पहले तो ये कि आपको एप्लीकेशन चाहिए नेशनल वीजा के लिए लॉन्ग स्टे के लिए ठीक है वो जो एप्लीकेशन है वो आप करेंगे जो जर्मन मिशन अब्रॉड है यानी कि जिस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं या इंडिया से बांग्लादेश से कहीं से भी आप कर रहे हैं तो वहां पे आपने नेशनल वीजा की जो है वो एप्लीकेशन देनी होगी फिर अपॉइंटमेंट्स बाय ईमेल और पोस्ट ये क्योंकि बर्लिन के लिए तो उन्होंने इवन एड्रेसेस दिए हुए आप अपने अपने शहर में जहाँ पे भी आपका स्पॉन्सर रह रहा है पोटेंशियल स्पॉन्सर वो अपने फॉरनर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पर वहाँ पे ई से या फिर उन्होंने लिखा हुआ है बाई पोस्ट अपॉइंटमेंट लेंगे क्योंकि बहुत सारे मुख्त पर्पजेस के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आपने बताना होगा अपॉइंटमेंट लेते हुए उनसे कि आप किसी को लैंग्वेज कोर्स के लिए जर्मनी स्पॉसर करना चाह रहे हैं या उनको फुल टाइम स्टडीज़ के लिए बुला रहे हैं पी के लिए बुला रहे हैं मैरिज पर्पजेस के लिए बुला रहे हैं किसी भी रीजन के लिए बता रहे हैं क्योंकि साथ ही उन्होंने कहा कि प्लीज़ इन्फॉर्म अस ऑफ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेल्फ एम्प्लॉयड हैं पेंशनर हैं एम्प्लॉई है काम कर रहे हैं विद दिस इंफॉर्मेशन we can let you know which documents will be required only after receiving and verifying your credit worthiness yes subsistence important cheese a sponsor you need to be in a financial position to bear the subsistence costs the amount of monthly minimum net income depends on your marital status and maintenance obligations resulting thereof as well as the purpose of residence applied for डिपेंड करेगा आपकी नेट इनकम के ऊपर अभी बताते हैं कि कितनी नेट इनकम आपको चाहिए अगर आपने किसी को लैंग्वेज कोर्स पे बुलाना है वोकेशनल ट्रेनिंग स्टडी पे बुलाना है या जॉब सर्च या वेडिंग के लिए बुलाना है देखें नेट इनकम क्या होती है जर्मनी में एक इनकम होती है जिसको ब्रूटो इनकम कहते हैं ब्रूटो कहते हैं ग्रोस को और जब आप ग्रोस इनकम जो आपको मिलती है उस पर टैक्स कट जाता है तो उसके बाद जो इनकम बचती है उसको कहते हैं नेट इनकम या जर्मन में नेटो उसको कहते हैं तो आपकी नेट इनकम टैक्स कटने के बाद अगर आपने किसी को लैंग्वेज कोर्स में स्पॉन्सर करने के लिए बुलाना है जर्मनी तो वो होनी चाहिए दो हजार चार सौ दस यूरो विदाउट एनी मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन अगर आपकी मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन हैं तो वो होगी तीन हजार तीन सौ चालीस यूरो टू स्टडी फॉर अ और फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कि या तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए भी बुला सकते हैं या स्टडी फुल टाइम मास्टर स्टडीज के लिए बुला सकते हैं बैचलर के लिए भी बुला सकते हैं पी के लिए भी बुला सकते हैं दो यूरो नेटो याद रहे कि टैक्स कटने के बाद मिनिमम दो हजार होनी चाहिए और अगर आपकी मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर तीन यूरो होनी चाहिए जो मेंटेनेंस मेटेनेंस हैं ये इस चीज पे भी डिपेंड करती हैं कि आपका जर्मनी में जो आपका स्पॉन्सर है उनका अपना मैरिटल स्टेटस क्या है कि क्या उनके यहाँ पे एक बच्चा है दो बच्चे हैं या फिर आप अगर आ रहे हैं तो कितना आपका कॉस्ट होंगी यहाँ पे उनका कितना मेंटेनेंस जो ऑलरेडी लग रहा है उनके अपने ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर तो उसको मिला के ने ने सारा कैलकुलेट किया हुआ तीसरी ऑप्शन ये कि अगर आप जॉब सर्च पे आ रहे हैं या फिर वेडिंग के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको कितने पैसे नेटो आपको रिक्वायर्ड होंगे नेट इनकम मंथली दो हजार सौ नब्बे यूरो और ये है विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन या फिर तीन हजार सौ नब्बे यूरो विद मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन एक बंदे के लिए और चार हजार उनतीस ऑब्लिगेशंस ऑब्लिगेशन फॉर टू परसन ये बड़ा क्लियर कट सा रूल है दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे आपको आपको चाहिए होगा जो भी आपका यहाँ पे स्पॉन्सर होगा जर्मन आईडी कार्ड अगर उनके पास है नहीं है तो उनका पासपोर्ट पासपोर्ट की कॉपी ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फ़ॉर द वीज़ा जो भी उनका जिसको भी वो वपॉन्सर के लिए बुला रहे हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी इंफॉमेशन अबाउट मैरिटल स्टेटस एंड एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस ऑब्लीगेशन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर जो मैरिड है यहाँ पे उनकी ऑब्लिगेशन है कि उनका एक बच्चा है या दो बच्चा है तो वो भी उनको शो करना होगा क्योंकि मेजर वो इस तरह करते हैं कि जो आप जिन लोगों को यहाँ पे आपने रखा हुआ है उनकी लाइफ या उनके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हैं वो किसी तरह भी अफेक्ट ना हो उसके अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप एक थर्ड बंडे को बुला सकें और उसको स्पॉन्सर कर सकें फिर कंप्लीटेड फॉर्म ऑफ सूजा से क्लेगो ये जो मैंने अभी आपको बताया डिक्लेरेशन कमिटमेंट फॉर्म ये नीचे पड़े हुए हैं सारे फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रूफ ऑफ मेन रेजिडेंस इन बर्डन जो भी आपकी रेजिडेंस है जैसे अगर आप वो बर्डन में नहीं रहते तो जिस भी शहर में रहते हैं हर कोई रजिस्टर हुआ होता तो है उस शहर के अका था उसमें तो वहां से आपको मिली होती है आपकी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और इसकी फीस है ट्वेंटी नाइन योर सारे फाइनेंशियल प्रूफ आपको देने होंगे वो आपसे सब मांगते हैं क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं, मैंने ये अप्लाई किया है डिक्लेन ऑफ कमिटमेंट अपने पेरेंट्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया तो वो आपसे आपकी सैलरी स्लिप्स मांगते हैं पिछले छह महीनों की वो आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं वो आपका जो अपार्टमेंट जिसमें आप रह रहे हैं वो आपसे उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं वो आपसे बैंक अकाउंट जो है डिटेल बैंक स्टेटमेंट वो आपकी मांगते हैं मुझे स्क्रीन को जरा क्लोज करने दें तो वो ये सारी चीजें आपसे मांगते हैं वो मेक श्योर sure करते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल मीनस हैं वो इतने तगड़े हों कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सकें लेकिन मैं फिर भी आपको यही बताऊंगा कि जैसे उन्होंने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि आप हमसे जब अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करेंगे तो बेस्ड ऑन आपका प्रोफाइल जॉब हर चीज देख के वो आपको बताएंगे कि आपको क्या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे लेकिन ये जनरल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए यही लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं और अगर इस टॉपिक के अलावा कोई भी और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या इससे कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे जाएं वहां पे मुझे क्वेश्चंस लिख सकते हैं ई कर सकते हैं या इस वीडियो के अंदर कॉमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं एंड मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया